हेलो फ्रेंड्स, आपसे एक फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपके ई श्रम कार्ड में कोई गलती हो चुका है तो उसको कैसे सुधारेंगे, या फिर आप अपने कैटेगरी को बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल सकते, या फिर आप अपने ई श्रम कार्ड को बनाए हुए उस पर फोटो नहीं आया हुआ तो फोटो को कैसे लाएंगे, बोले तो अपने ई श्रम कार्ड को अपडेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको आज मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाएंगे और एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे सोल्यूशन मिल सके। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए प्लीज़ पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और सामने के ही सर्च बार पे टाइप करेंगे ishram.gov.in। टाइप करके जैसे ही सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है रजिस्टर ऑन ishram, इस पर क्लिक करके आप नया ishram कार्ड बना सकते हैं। और अगर आपका ishram कार्ड पहले से बना हुआ है उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन नीचे में दिया गया है ऑलरेडी रजिस्टर, मतलब पहले से बना हुआ है, और अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को इंटर करना है, फिर यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जो नंबर डाले हैं उस पर ओटीपी गया है जिसको यहाँ पे इंटर करना है, फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आधार नंबर को इंटर करना है और फिर सिलेक्ट करना है किस मेथड से अपने आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन आ चुका है, सबसे पहला है फिंगरप्रिंट। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस डिवाइस की मदद से आप अपने आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास डिवाइस होना चाहिए। फिंगरप्रिंट सिलेक्ट करेंगे तो थंब स्कैनर होना चाहिए और आइरिस सिलेक्ट करेंगे तो आइरिस डिवाइस होना चाहिए, अगर नहीं है तो ओटीपी का ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर से आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा जिसको यहाँ पे इंटर करना है और फिर वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड का पूरा डिटेल्स आ चुका है फ़ोटो के साथ में। तो जो लोग अपने ई श्रम कार्ड को बना लिए हैं और उस पर फ़ोटो नहीं आया हुआ है तो अभी ऑथेंटिकेट कीजिए और अभी फ़ोटो आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अपडेट ईकेवाईसी वाले इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके ई श्रम कार्ड पे फ़ोटो आएगा ही आएगा। आप गलती क्या किए थे जिस वजह से आपका फ़ोटो नहीं आया था वो चीज़ आपको बता देते हैं। जैसे जब आप ई श्रम कार्ड को बनाए होंगे उस वक्त भी ऐसे ही ऑथेंटिकेट किए होंगे और उस वक्त फ़ोटो लोड नहीं हुआ होगा, किसी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या फिर वेबसाइट स्लो काम कर रहा होगा, इसके वजह से फ़ोटो लोड नहीं हुआ होगा, केवल डाटा ये सब जो दिखा रहे ये सब लोड हो गया होगा और आप सिंपली से यहाँ प्रोसीड या फिर कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दिए होंगे जिसके वजह से आपके ई श्रम कार्ड पे फ़ोटो नहीं आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर फ़ोटो दिख रहा है और अब आगे बढ़ेंगे ना तो 100% फ़ोटो आएगा ही आएगा ई श्रम कार्ड पे, क्योंकि हमने एक दो नहीं 7-8 ई श्रम कार्ड बनाए हैं और 7-8 पे फ़ोटो आया ही आया है। अब सिंपली से अपडेट ईकेवाईसी इंफॉर्मेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, डाउनलोड यूएएन कार्ड, अगर आप अपने ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इजीली इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, अब इस पर फोटो आएगा ही आएगा 100%। और ऊपर में ऑप्शन मिलता है अपडेट प्रोफाइल, अगर आप अपने प्रोफाइल में कुछ सुधारना चाहते हैं, कैटेगरी बदलना चाहते हैं या फिर एड्रेस में कुछ सुधार करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि सबसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ सुधार करना है तो उस पर क्लिक कीजिएगा, एड्रेस में सुधार करना है तो एड्रेस वाले पे क्लिक कीजिएगा, एजुकेशन एंड इनकम में सुधारना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स में सुधारना है इस पर क्लिक कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट डिटेल्स में सुधार करना चाहते हैं या फिर दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके
सुधार सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। और प्रीव्यू प्रोफाइल का मतलब होता है जब आप अपडेट कर लेंगे उसके बाद इस पर क्लिक करके देख लेंगे कि जो अपडेट किए हैं वो अपडेट हुआ या फिर नहीं, और उसके बाद ही आपको सेव करना है। तो हमें एड्रेस में अपडेट करना है, एड्रेस गलत डाला गया है, तो चलिए एड्रेस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है, जो एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं उसको एडिट करके यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम टाइप कर लेते हैं और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो अपडेट का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको अपडेट कर देना है। तो जो एड्रेस हम अपडेट किए हैं उसको चेक करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, प्रीव्यू प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और चेक कर लेंगे कि जो अपडेट किए हैं वो अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो दोस्तों हमने एड्रेस को चेक कर लिए, अपडेट हो चुका है। अब यहाँ से बैक आते हैं और अब डाउनलोड UAN कार्ड पे क्लिक करके डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एड्रेस अपडेट हुआ या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे एड्रेस अपडेट हो चुका है। अब डाउनलोड UAN कार्ड का ऊपर में ऑप्शन आ रहा है ग्रीन कलर में, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ई श्रम कार्ड में अपडेट कर सकते हैं, जो गलती है उसको सुधार सकते हैं, या फिर बनाते समय अगर फ़ोटो नहीं आया है तो फ़ोटो को अपडेट कर सकते हैं। 100% फ़ोटो आएगा ही आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो आया हुआ है। इसके रिगार्डिंग आपका कोई और सवाल है या फिर कुछ कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे या फिर उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।